नमस्कार दोस्तों, आज 31 दिसंबर दिन शुक्रवार, जानते हैं अमरूद का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला। देसी अमरूद जो अपना राजस्थान का सवाई माधोपुर का ये वाला अमरूद है, और अपना ये VNR अमरूद जान लेते हैं, ये तो देसी है, और वो VNR अमरूद आज की क्या कुछ पोजीशन है मंडी की जानते हैं भाई साहब से। और एप्पल बेर, हाँ जी भाई साहब जी नमस्कार जी, आज का अपडेट करो जी, मंडी में कितनी गाड़ियाँ जी, क्या कुछ कह रही है मंडी में? 8 से लेकर 10 गाड़ियाँ। अच्छा जी, पोजीशन कल ही जैसी है, सेम बढ़िया माल जो है कि बिक रहे हैं 60 से लेकर 65-70 रुपए के करीब। अच्छा, और हल्के माल बिक रहे 50-55-60 जहाँ बिक जाए। कल जैसे एक बार बाद में मंदा गया था, फिर उसका क्या बना जी? नहीं, आज तो थोड़ा ग्राहक जो दिखा है माल, आज क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, लेकिन पोजीशन वही चली है, कल वाली है पोजीशन। अच्छा, ये कहाँ वाला ग्लाट अभी पड़ा? 12 ग्लाट, ये ज़्यादा जंबो साइज होने के कारण जो है थोड़ा हरेपन पे और ज़्यादा मोटा होने के कारण जो है। इसका क्या मांग रहे? इसका तो हम मांगने के लिए तो देखो राणा जी, ग्राहक से और भगवान से कभी कम नहीं मांगते, ये लोगों ने कहा है तो हम तो अपने हिसाब से। नहीं, क्या कुछ मांग रहे आज इसका जी? वैसे हम तो इसके 60 रुपये कह रहे हैं, लेकिन ग्राहक अभी पैसे नहीं लगा रहा है, क्योंकि साइज जो है ना थोड़ा ये वाली साइज, ये देखो ये ज्यादा मोटा ओवर है और हरा है बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल हरा कंच है ये तो आधा किलो का ही ना सर? ये हरा कंच है और ये लंबे पन पे है थोड़ा, फुल ब्राइट अच्छा होती तो ये 60 रुपए की बिक जाती अभी। जैसे ये है, ये है अपना महाराष्ट्र वाला माल है। ये क्या रेट गया? ये भी 40-45-50 जो भी जहाँ चला जाए। अच्छा जी, अभी बिका नहीं है। अच्छा जी, और एप्पल बेर ये? एप्पल बेर तो देखिए इसमें पैरी की तो बहुत हालत खराब हो जाएगी बेचारा किसी तरह से। अब ये माल कल का आया हुआ था। अच्छा, माल बहुत दागी, करीब 63-14-15 डब्बे जो है कि दागी छटवाए थे, उसके बाद ये बनवाया है। अच्छा, अभी इसके भी पैसे 200 रुपये मांग रहे हैं, 200 रुपये भी कोई नहीं लगाने को राजी है। माल बढ़िया नहीं है, हल्का है। अच्छा जी, अच्छा, ये जहाँ हमने भेजा था वहाँ भी जाके ये काला पड़ गया था माल। अच्छा जी, तो पन्नी लगाने की वजह से ऐसा हुआ है शायद, ज़्यादा जो है कि गर्मी खा गया माल। अच्छा, हालांकि मौसम तो सर्दी का। अपना देसी का क्या रहा जी, जो अपना राजस्थान के अमरूद है? देसी का रेट है आज का रेट है जी 20-25-30-35 रुपए तक का, बस ये सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर का रेट है, क्योंकि अब अराइवल जो है सवाई माधोपुर की जो है अराइवल बढ़ गया। अच्छा, माल बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगा है। अच्छा जी, तो इस वाले माल को भी प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा जी, जी धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। दोस्तों, बात करते हैं सेब की, जानते हैं कश्मीर वाले सेब का आज का क्या कुछ बाजार चला, जान लेते हैं मंडी में आज की कितनी गाड़ियाँ हैं कश्मीर वाले सेब की, जो आज तो कश्मीर के किसान भी आज यहाँ पर मिल गए जो सेब लेके आते हैं मंडी में घूमने के लिए। दोस्तों, ऐसा है कि मंडी की रौनक तो अब ख़त्म हो चुकी, क्योंकि फ्रूट का सारे का मंदा है और ज़्यादातर सेब पे ही इसका असर पड़ा। सेब पे असर इसलिए पड़ा कि जो कि ये ईरान वाला सेब है ये काफ़ी संख्या में आ चुका मंडी में, इसके कारण इसका थोड़ा सा रेट डाउन हो गया। जान लेते हैं भाई साहब से आज की क्या कुछ पोजीशन है। नमस्कार सर जी, सर जी आज का अपडेट करो मंडी के, कितनी गाड़ियां हैं जी, मार्केट क्या कर रही है? राणा जी, आज मंडी के अंदर 40 से 50 गाड़ियां हैं सिर्फ। हाँ, अराइवल कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर दम बिल्कुल नहीं है। मार्केट जो है शुपियान की मार्केट जो है 600 रुपये से लेके और 900 रुपये माल बिक रहे हैं। हाई साई जी? हाई साई, जो माल ये माल 900 रुपये का बिका है। अच्छा जी, ये माल पहले 1050 और 1100 रुपये बिक रहा था फोर लेयर। अच्छा, कुछ दिन पहले तो यही माल 1300 रुपये तक, 1250। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो 1300 रुपये तक सीजन में रेट था, 1250-1300 रुपये भी कुल्लू डिलीशियस। हाँ जी, लेकिन आज मार्केट बिल्कुल सोई भी है, कुछ तो कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा मार्केट पे असर है, फर्क पड़ गया जी। जो इम्पोर्टेड फ्रूट है या कोई भी लगा लो सारे सामान बिल्कुल सभी में डाउनफॉल है, और थोड़ा ईरान का भी माल आ रहा है उसकी वजह से भी मार्केट डाउन है। ईरान तो गलत है ना जी, कौन मंगा रहे इसको, ईरान का माल ऐसा है ना जी, जब अपने कश्मीर का अपने भारत का माल चल रहा है, और अभी तो CA स्टोर भरे पड़े हिमाचल के कश्मीर के, ये कैसे निकालेंगे फिर इसको? अब जैसे जैसे आगे मतलब समझो जनवरी की 15 तारीख के बाद मौसम भी थोड़ा खुल जाएगा। हाँ जी, तो मार्केट में सुधार आने के तो चांस है। अच्छा, लेकिन इतना नहीं है जितना मतलब व्यापारी जो लोग आपके माध्यम से जो व्यापारी लोग सुन रहे हैं। हाँ जी, मार्केट में इतनी तेजी आने की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, क्योंकि ईरान का सेब आगे आगे आना ही है, ये तो आगे बढ़ेगा और ये तो लास्ट गर्मी तक चलता रहता है जी, गर्मी में भी चलता रहेगा जी। तो बिल्कुल बिल्कुल, जो बायर है हाँ जी उसको माल जो है थोड़ा सस्ता चाहिए। अच्छा जी, हाँ महंगा माल उसको ज्यादा नहीं चलता है। तो फ्रूट में भी सारे काफी मालों में फर्क पड़ गया जी, सारे जितने फ्रूट, भी फ्रूट्स हैं सभी मंदे हैं। हाँ जी, हाँ सब्जी में भी काफी
फर्क है जी। और मौसम का आप ये समझो मौसम खुला है बिल्कुल। अच्छा देखो आप धूप निकल रही है, 7 बजे से ही मौसम साफ है। अच्छा रौनक खत्म हो ही पड़ी जी मंडी। हाँ बाकी जो है माल मतलब जो खरीदार है उनको माल 800-850 रुपए की रेंज में चाहिए। अच्छा जी अच्छे वाले माल। हाँ जो माल 1100-1050 बेच रहे थे वो माल बिक रहे हैं समझो 900 रुपए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल 900 रुपए आज की डेट में। आज की डेट के अंदर मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल है वो 900 रुपए है। अच्छा 900 और 950, इससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा जी। और नीचे में जी डाउन नीचे में समझो आप जो 1.25 नंबर 1.5 नंबर है वो 400 रुपए से लेके 550 रुपए तक। अच्छा जी। अच्छा ये किसान साथ में आते हैं जी माल? ये किसान बेचारे आए हुए हैं दिल्ली घूमने के लिए, अब जब जैसे अच्छा जैसे माल इनका खत्म हो जाता है हाँ जी या थोड़ा बहुत रह जाता है तो दिल्ली घूमने के लिए आते हैं तो आए हुए हैं। अच्छा जी। हाँ आप इनसे देखो बात करो। अच्छा जी। अच्छा अच्छा खड़े हो जाओ। हाँ जी भाई साहब क्या नाम है जी अपना? जी मेरा नाम है जाहिद। अच्छा जी। जी मैं निगम शोपियन से हूँ। अच्छा जी। जी सर यहाँ माल के साथ आए हैं तो यहाँ देखा है कि माल का बहुत मंदा है इस साल। हाँ जी। तो पिछले तो मार्केट तो रोज घूमते होंगे? हाँ मार्केट तो रोज घूमते हैं। तो ईरान वाले को तो नजर घुमा ली होगी कितना सेब आ रहा मंडी में। ईरान वाले भी मंडी में सेब आ रहा है, ईरान वाले ने हमारे सेब को बहुत नुकसान किया है। हाँ जी। हाँ हमारे कश्मीर साहब जो कश्मीरी सब व्यापारी सब ग्रोवर सब परेशान है कि क्या करेंगे, स्टोर भी बहुत माल है, कम से कम मेरे ख्याल से स्टोर में भी 40-50 लाख का पेटी होगा। हाँ जी। स्टोर में हाँ जी। तो यही इसी की परेशानी में लगे हुए हैं कि कैसे निकालेंगे आप सेब, स्टोर का माल कैसे निकालेंगे। तो जैसे आप तेजी आई थी पीछे एक बार ये 1300 रुपये 1350 रुपये पहुंचा तो आपने निकालना चाहिए था, मौका संभालना चाहिए मौका था। तो उस टाइम तो हमारा सेब का कटिंग था, जो सेब दरख का कटिंग था उस टाइम यही काम बिल्कुल सेम आप वाला काम आलू वालों के साथ होया, जब आलू की बोरी 1400-1500 तक पहुंची तो उन्होंने बेचा नहीं जी वो, और बर्फ ने ट्रांसफर ना थोड़ा बर्फ की वजह से कटिंग करना पड़ा है, इसलिए हम डरते हैं कि कहीं पेड़ न टूट जाए। अच्छा इसी के कारण तो हमें थोड़ा दिक्कत हो गई है। चलो कोई बात नहीं बिक जाएगा जी, बिकेगा ही। वैसे अभी तो सर्दी के मौसम करके पर तेजी से इतनी नहीं आएगा, पर जनवरी के बाद आपका माल बिकेगा ही इंशाल्लाह। तो जो अल्लाह ने लिखा है हमारे मुकद्दर में तो वो मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ जी। अल्लाह पे भरोसा है कि जो मुकद्दर में होगा वो मिलेगा। अच्छा जी। हाँ जी धन्यवाद जी सर जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जी। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर जी। अपनी दुकान का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जी। राणा जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जितने भी व्यापारी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो माल जल्द से जल्द निकालें, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा मतलब तेज़ी आने की कोई उम्मीद नहीं और है। जो आगे लॉकडाउन लग गया फिर तो और समस्या आप देख ही रहे हो, सरकार की तरफ से भी थोड़े इंडिकेशन है ही है कि लॉकडाउन लगेगा चाहे जनवरी में लगे या फरवरी में लगे, क्योंकि कोरोना के जो केसेज हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं भी और ऑल ओवर मतलब सभी जगह बढ़ रहे हैं। आप तो मेट्रो भी आधी सीटें कर दी, बस की भी आधी सीटें कर दी, मार्केट में भी ऑड इवन चल रहा है। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद सर जी। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर जी। मेरा नाम इरफान अहमद है, मेरा मोबाइल नंबर है 9891195701। हमारी फर्म का नाम है अरी फ्रूट ट्रेडर्स, 2722 न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर, और शेड नंबर 7 पिलर नंबर 20। अच्छा जी। धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। सर जी अपना एक कार्ड दिखा दो जी, कार्ड। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है। इनका साल में 12 में से 8 महीने इनका सेब का ही काम है, 8 महीने इनके दुकान पर आपको सेब ही मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं नारियल की, जानते हैं नारियल का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ी आई। देखो जैसे इनके पास एक ये नारियल आया, क्या सुपर शानदार नारियल जो है, बम्पर क्लास का नारियल है, और एक इनके पास ये थोड़ा अड़की क्वालिटी 2 नंबर नारियल बोलते हैं जिसको, जान लेते हैं इसका भी और सुपर क्वालिटी वाले का क्या कुछ बाजार चला। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, आज का जी अपडेट करो, मंडी में कितनी गाड़ी है जी, क्या कह रही बाजार? बहुत जी मंडी में ताजी गाड़ी घुसी है 9। अच्छा जी। बाकी 5-6 गाड़ी बैलेंस है कल की। अच्छा, थोड़ा माल। अच्छा, टोटल 15-16 गाड़ी है तो कोई ज्यादा नहीं है जी? ज्यादा माल नहीं है, लेकिन अच्छा शुक्रवार का दिन है, आज जुमे की नमाज का अदा करने का वक्त आया हुआ। अच्छा जी। तो फिर बाजार माल तो ठीक है, बाजार बिक रहा है 28 रुपए से लेकर 32 रुपए की पोजीशन, ये नंबर वाला नंबर एक वाला जी। नंबर एक वाला। और ये जिसको आप कबूतर माल कहेंगे ना, ये आंध्रा के कबूतर हैं, ये बिकेंगे 20 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच में ये। अच्छा, ये सारी की सारी गाड़ी एक ही जैसी, सारी ऐसी, इनका एक ही माँ बाप है, एक ही पिताजी थे इनके। अच्छा जी। अच्छा, बस सारा का सारा एक ही लॉट है, एक ही लॉट है सारा ये। अच्छा जी। अच्छा, बिक जाएगा जी फिर ये भी? आज बिकेगा, देखो कोशिश तो करेंगे, बुलाए व्यापारियों को इसके लिए। अच्छा जी। अच्छा, व्यापारी भी साथ खड़े हैं। अच्छा जी। अच्छा, 70 दाने वाले भी आए हुए हैं। अच्छा जी। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद सर जी। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर जी। विक्रम ट्रेडर्स, 8010-8033। अच्छा जी। अच्छा धन्यवाद जी।
बात करते हैं भाई साहब के पास भी, जिनके पास ही अपना नारियल आता है, जानते हैं नारियल का आज का इनकी दुकान पे क्या कुछ बाजार चला। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी कई दिन गायब रहे, किधर गए थे जी? थोड़ा सा काम से घर पे गया हुआ था। अच्छा जी, अच्छा कौन सी जगह है जी अपना जी? उत्तर प्रदेश, यूपी शाहजहांपुर। अच्छा जी उत्तर प्रदेश में, तो भी तो आप कई दिन से चमके नहीं जी यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा तो क्या कुछ बाजार चला जी आज? आज का सर 27 से 28 रुपए तक। 27 से? माल तो बड़ा शानदार है जी, सारा का सारा नंबर एक वन माल जी। हाँ जी सर। अच्छा 27-28 रुपए। और दो नंबर भाई साहब जी? दो नंबर का 22 से 23 रुपए तक। 22 से 23 रुपए। चलो बिक जाएगा जी आज, वैसे धूप का देखो, जो धूप खिलगी फिर तो। हाँ जी, हाँ जी, मौसम थोड़ा ठंडा है ना। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, मार्केट के अंदर ज्यादा गाड़ियाँ नहीं है, 15-16 गाड़ियाँ। अच्छा जी, हाँ जी, ताजी गाड़ी। धन्यवाद भाई साहब। अपनी दुकान का एड्रेस? दुकान नंबर 619 आजादपुर मंडी। हाँ जी। मोबाइल नंबर 99-99-623-724। अच्छा, और वो कार्ड वो बोर्ड तो टांग देते दोबारा यहाँ पर? ऐसा है, इसका टेंडर अभी पूरा हो गया था, अब ये दूसरा फड़ बन रहा है। अच्छा, वैसे तो टांग सकते हैं अपने को टांग, वो लगा हुआ बोर्ड लगा हुआ, अब 2-4 दिन में टीन पड़ जाएगी फिर टांग देंगे। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद दोस्त। दोस्तों बात करते हैं किन्नू की, जानते हैं देखो इनकी दुकान पे क्या शानदार माल आया किन्नू का आज का, किन्नू का क्या कुछ बाजार चला जो इनके पास ये गाड़ी में किन्नू आता है, जानते हैं आज की क्या कुछ इसकी रिपोर्ट है मंडी में, जो स्पेशल किन्नू बेचने वाले भाई साहब है अपना यहाँ। अटिए दोस्त। हाँ जी भाई साहब जी। हाँ जी भाई साहब जी, कहाँ वाला माल, क्या रेट चल रहा जी? ये अबोहर का माल है भाऊ जी। अच्छा जी, 25 रुपए से 40 रुपए तक बिक रहे हैं किन्नू। कितने से जी? 25 से 40। 25 रुपए से 40। हाँ, रुपए। इन्हें किन्नू दिखाओ। वो वाला क्या रेट का है जो बड़ा मोटा? हाँ, वाला बढ़िया। पत्ते वाला तेज बता रहा। पत्ते वाला 35 से 40। अच्छा पत्ते वाला। और ये क्या रेट बिका अभी? 30 रुपए। 30 रुपए। 30 रुपए। और पच्ची वाला कौन सा है? पच्ची वाला छोटा होता है, 54 दाना। अच्छा जी, अच्छा। तो आज क्या गाड़ी है अपने पास? अपने पास 4 गाड़ी है आज। अच्छा, बिक गई? हाँ, सब बिक गई, थोड़ा सा बचा है अभी। अच्छा जी, हाँ। अबोर का ही चल रहा जी अभी? अबोर, अबोर। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के। हमारी फर्म का नाम सब कुछ ही है ऊपर। अच्छा, और तेरा मोबाइल नंबर कौन से वाला है इसमें? ऊपर वाला है 84-48-93-99-10। पवन कुमार वाला? नहीं, बल्लू भाई वाला। अच्छा ठीक 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 ठीक। पास आते हैं जो वो भाई है, वो छोटे भाई साहब है, ये इनके बड़े भाई, इनके पास आते हैं, इनका नाम है बल्लू। हाँ जी, तो अपने पास कितनी गाड़ियां आ रही जी अभी है? अपने पास गाड़ी किन्नू वाली 4 गाड़ी, 3 गाड़ी डेली किन्नू आ रहा है। अच्छा, और संतरा भी आ रहा है? संतरा भी आ रहा है, 2 गाड़ी 3 गाड़ी संतरा भी आ रहा है। नजारा आ रहा जी फिर? बहुत संतरा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है। संतरा किधर का आ रहा है? संतरा आ रहा है भवानी मंडी राजस्थान का। अच्छा, भवानी मंडी का। ये अबोर का? हाँ, ये अबोर का रहा है किन्नू। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद दोस्त। दोस्त अपना मोबाइल नंबर बोल दे। नंबर है 84-48-93-99-10। अच्छा जी, वैसे तो आपको सारे बल्लू भाई के नाम से ही जानते हैं। बल्लू मेरा छोटा भाई है, बल्लू को बड़ा भाई पप्पू। अच्छा अच्छा, पप्पू है आपका नाम? मेरा नाम है पप्पू। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद जी। दोस्तों बात करते हैं संतरे की, जानते हैं संतरे का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला। देखो इधर से लेकर जहां तक ये सारे में गाड़ियां होती थी और दूर तक आज सारा मैदान खाली, जान लेते हैं भाई साहब से आज की क्या कुछ पोजीशन है, मंडी सारी खाली है। सर जी नमस्कार जी, यो मैदान क्या बात है, तो मैदान बन गया जी सारा का सारा आज खाली। आज गाड़ियां जो है केवल 10 गाड़ी है। अच्छा, और 10 गाड़ी के अंदर भी जो है माल काम के नहीं आ रहे। 10 गाड़ी है कि चमक तो रही नहीं जी है। माल जी काम के नहीं आ रहे। अच्छा जी, और बारिश पड़ी है वहाँ भवानी मंडी में। अच्छा जी, ग्वालियर साइड चारों तरफ जो है, शाहजहानपुर में भी जो चारों तरफ बारिश जो है ना, हाँ, उस बारिश के कारण माल बहुत नरम हो गए हैं। अच्छा जी, और माल वहाँ पर भी गिरे हैं। अच्छा, उस कारण जो यहाँ पर माल आए हैं वो माल काम के नहीं आए। ये ऐसे निकले जी नीचे गिरने वाले? दागी ज्यादा निकलने से। अच्छा जी, खरीदार भी कम है और 8 दिन लोग भी घर से उठ के ही नहीं आए। अच्छा, पर माल ही नहीं है जी, क्या करा जी, देखो मैदान खाली पड़ा जी बिल्कुल। बोलने को 10 गाड़ियां है मगर देखा जाए तो 7-8 गाड़ियां ही है। अच्छा जी, अच्छा, माल कम है कल का बैलेंस मिला के 10-1 गाड़ियां बैठती है। अच्छा जी, तो आज पोजीशन क्या रही जी? आज पोजीशन जो है मालों की जो है समझ लो 300 रुपए से लेके 800-900 रुपए तक है। अच्छा, इससे ऊपर पोजीशन नहीं है, खरीदार बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया। और ये रिपैकिंग क्यों करवा रहे हैं अभी इस मौसम? रिपैकिंग जो है हमारी लूज की गाड़ी आई है जी। अच्छा, किसान की आई है, आप देखिए ये आल का माल है थोड़ा। हाँ, ये किसान का माल आया है। ये कौन से गांव का है जी? ये भवानी मंडी का है। अच्छा जी, ये माल किसानी है। अच्छा, ये लूज आया है वहाँ से भर के जी, अब यहाँ पर हम उनके लिए सेवा कर रहे हैं और मेहनत पूरी करके उनके 4 पैसे बना के देंगे। अच्छा जी, उन्होंने माल लिया दोबारा? ये दोबारा ना, जितनी बढ़िया क्वालिटी तो नहीं जी है बिल्कुल? नहीं, क्वालिटी तो नहीं है,
मगर क्या है इसको रिपेक करके अपनी तरफ से क्वालिटी बना रहे हैं, अच्छा, जिससे कि उसके दो पैसे बन सके। चलो जी, कुम मेहनत तो करनी पड़ेगी। वहाँ पर भी 30-35 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए से कम माल वहाँ भवानी मंडी में नहीं है, अच्छा, जिस कारण वहाँ तेजी आई है, यहाँ ग्राहक ने हाथ उठा दिए। अच्छा जी, यहाँ पर वो 20 रुपए के माल मांग रहे हैं तो 20 रुपए का माल यहाँ पर मिल नहीं रहा, अच्छा, जिस कारण रेडियाँ खाली जा रही है और कोई किन्नू भर के ले जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, बाकी क्या है 3-4-5 घंटे इनको माल बेचने को मिल रहे हैं, अच्छा, रोडों पे वो माल उस हिसाब से भी वो गांव जाने की तैयारी में लग रहे हैं, अच्छा, भाई यहाँ कोरोना का चक्कर है, अभी लॉकडाउन ना लग जाए दोबारा, हाँ, यहाँ लोग दोबारा ना लगे, हाँ जी, केस बढ़ रहे जी और मास्क भी लगाना जरूरी है जी, उस कारण जो वो गांव भाग रहे हैं रेडी पटरी वाले के, इससे डाउनफॉल आ रहा है। चलो कोई बात नहीं जी, सर जी धन्यवाद जी, अपनी दुकान का एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी दुकान जो है विक्की ट्रेडर्स है और B802-803 दुकान नंबर है, शेड नंबर 18 नंबर में 26 नंबर खंभे पे हम माल सेल करते हैं, किसी भाई को अगर माल चाहिए, माल मीठा चाहिए, वो हमारे पास आए, 1-2 क्रेट भी हम, और मोबाइल नंबर जी सेवा करते हैं, मोबाइल नंबर 9811-11-7144, विक्की ट्रेडर्स हमारी फर्म का नाम है। दोस्तों बात करते हैं पपीते की, जानते हैं पपीते का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला, जिनके पास ये स्पेशल देखो क्या शानदार पपीता आया, जो स्पेशल पपीते के बेचने वाले आड़ती हैं अपने, इनके पास ये काफ़ी माल आता है, जान लेते हैं भाई साहब से आज की क्या कुछ मंडी की पोजीशन है। नमस्कार सर जी, आज का जी क्या कुछ बाजार चला जी, कितनी गाड़ियाँ जी आज का भाव, कच्चे माल का रेट 9 रुपये 8 रुपये किलो है, गाड़ी बंद, बंद गाड़ी का जी, बंद गाड़ी का रेट 8 रुपये 9 रुपये किलो है, अच्छा जी, और पक्का माल बिक रहा है 12 रुपये किलो, अच्छा जी, 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, अच्छा जी, और 2 नंबर का माल है वो माल है 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, अच्छा जी, और जो ये गाड़ी का पक्का है बिल्कुल डाल का माल है जैसे वो नंबर एक का 12-13 रुपये किलो एक नंबर, इससे ऊपर कोई बाजार नहीं है जी, इससे ऊपर बाजार नहीं है। अच्छा ये बताओ बिहार वाला माल भी बिक जाता है इधर, बिहार सब बिक जाएगा मंडी में, सब बिकता है मंडी में, उसकी क्या कुछ पोजीशन है जी, वो माल देख के पता लगेगा ना माल कैसा कैसा नहीं है, अच्छा जी, वैसे आता है कभी बिहार का माल, नहीं कभी नहीं आया माल बिहार का, तो आप कौन सा इलाका चल रहा है आपके पास, ये इलाका महाराष्ट्र का इलाका है, अच्छा जी, माल मंडी में सब बिक जाएगा, अपने रेट से बिकेगा, जैसा माल होगा ऐसे रेट होंगे, पर अब तो मंदा ही चल रहा जी सारी जगह, चल रहा है जी 8 रुपये 6 रुपये 7 रुपये 5 रुपये, अच्छा, अभी पूरा महीना ऐसे रहा, जनवरी का महीना पूरा ऐसे जाएगा, अच्छा जी, अच्छा टाइम पास, कोई बात नहीं, धन्यवाद सर जी जानकारी, सर जी अपनी दुकान का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, दुकान नंबर 87, मोबाइल नंबर 85-86-83-97-86, अच्छा जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो बात करते हैं मोहनलाल भाई जी की दुकान पे, जिनके पास देखो क्या सुंदर सुंदर आम भाई, संदूरी आम जिनको बोलते हैं, पैरी पैरी है जी ये, पर ये तो कलरफुल माल है, जान लेते हैं भाई साहब की दुकान पे आज का क्या कुछ बाजार चला, जिनका 12 महीने आम का ही काम है। नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब जी क्या पोजीशन चल रही है आम की जी, आम बिक रहे हैं जी 1300-1400 रुपये बढ़िया, ये वाला जी, ये वाले और वजन जिसमें, वजन 6.5-7 किलो, अच्छा जी, और वो जो पीछे तोता परी आया था, तोता परी अब नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बंद है जी, और सफेदा, सफेदा आ रहा है, कम आ रहा है, उसका क्या बाजार चल रहा है जी, सफेदा बिक रहा है 1100-1200 रुपये, और वजन 7 किलो, और इसमें कितना बताया आपने, इसमें 6.5 किलो अंदाजा, अच्छा जी, अच्छा, तो बिक्री कैसी चल रही है, बिक्री कम है अभी मंदे कारण, मंदे की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ शादियां वजह से फर्क पड़ता है, अच्छा शादियां ही नहीं, फिर तो अब जो आने वाले टाइम में कह रहे थे कि जनवरी में शादियां हैं, फिर तो जैसे कोरोना की लॉकडाउन कर दिया उन शादियों का तो सारा रेट नॉर्मल हो जाएगा, बस और कोई बात जाएगा बिगड़ जाएगा जी उनका, तो जी क्योंकि इतनी अब तो बारात इकट्ठी नहीं हो सकती, कम नहीं होगी, हां कम नहीं होगी, फर्क पड़ेगा उससे, जिन्होंने पीछे कर ली कर लिया, अब तो फिर दोबारा जनवरी में जो नया साह आएगा उसमें शायद इतनी रौनक नहीं होगी, नहीं हो पाएगी, अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं जी, ठीक है जी, धन्यवाद सर जी, सर जी अपना मोबाइल नंबर बोल दो, मोबाइल नंबर 88-26-91-81-40, अच्छा जी, और दुकान का एड्रेस जी, B856 मोहनलाल, अच्छा जी, धन्यवाद जी।